को लग रहा है कि मेरी हालत ऐसी क्यों है। चोट वोट का भी कुछ प्रॉब्लम था और मेरे जो बाबा है वो सुबह से दौड़ रहा है इधर उधर इधर उधर। 3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया। सब कुछ मैं अभी लेकर आई हूँ। 4 बजे के बाद एक्वागार्ड के लोग आने वाले हैं। मैंने सोचा था थोड़ा सा खाना खा के बर्तन धो के थोड़ा सा सो जाऊँगी क्योंकि बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन इतना अच्छा किस्मत का है मेरी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बबीज वर्ल्ड। मैं ही तानिया वापस आ चुकी हूँ छोटू से एक ब्लॉग लेके। आप लोगों को लग रहा है कि मेरी हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। बस अभी अभी घर में लौटी हूँ। कल सुबह मैं घर से मतलब फ्लैट से ऑफिस गई थी, उसके बाद मैं घर नहीं लौट पाई। बिकॉज ऑफिस से मैं वापस आई तब 8:30-9:30 बज चुकी थी ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और बहुत हवा दे रही थी। और मैं जहाँ पर मेरा फ्लैट है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो जब भी थोड़ा सा भी हवा शुरू होता है ना तो यहाँ पे करंट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन मेरा जो बाइक है बहुत कम ही जाता है CSC की लाइन होने की वजह से। तो रात को मैं वही रुक गई थी। एक बार आई थी जब बारिश मतलब ख़त्म हो चुकी है, तब एक बार आई थी मैं और मेरे हस्बैंड अपना मैंने मेरे हस्बैंड को जो बाइक है वो रखने के लिए, क्योंकि मेरे मायके में रखने की जगह नहीं है। और मार्केट के अंदर अगर मैं रखूँ तो थोड़ा सा चोरी वोरी होने के भी चांसेस है, इसलिए फ्लैट के नीचे जो पार्किंग लॉट है वहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क करके फिर से हम लौट गए थे घर में। और सुबह मुझे मैंने सोचा था कि शायद आज मेरी छुट्टी है तो मैं जल्दी जल्दी घर वापस मतलब फ्लैट में आ जाऊँगी, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करूँगी, घर पूरा फैला हुआ है। लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो चुकी थी मेरी मायके में। वहाँ पर भी थोड़ा सा करंट का इशू हो चुका था और पानी नहीं उठ रही थी टैंक में। चोट वोट का भी कुछ प्रॉब्लम था और मेरे जो बाबा है वो सुबह से दौड़ रहा है इधर उधर करंट की वजह से, मतलब पानी क्यों नहीं उठ रहा है मोटर में। मिस्त्री भी आई हुई थी और आप लोग जानते हैं कि उस वहाँ पर मेरा एलेक्स भी रहता है, क्योंकि एलेक्स है इसलिए मिस्त्री ठीक से काज नहीं कर पा रहा था। अगर मैं भी नहीं रहूँगी पापा तो अधिक बैलेंस नहीं कर पाते थे, तो इसकी वजह से मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। अभी बज रहा है दोपहर का देर और अब से मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे भी कुछ दिखाने के लिए है नहीं, रोज का रूटीन है, बस थोड़ी सी मैं दिखा देती हूँ। मुझे सोचा कि 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया, तो मैं कर देती हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग देख भी सकते हो। मुझे अभी नहाना है, उसके बाद उससे पहले मुझे थोड़ा सा घर को साफ सफाई करना। दिखा देती हूँ कि मैं अभी अभी लौटी हूँ उस चीज़ में, बाज़ार से और घर से मतलब मायके से लेकर आई हूँ खाने पीने की चीज़ें से जो मैंने पहले से जुगाड़ करके ऊपर रख दिया था, तो वो भी मैं समेटा नहीं हूँ। बस ये सब कुछ कर लूँगी, घर साफ करूँगी, उसके बाद ना बोला था कि चावल भी लेकर जा, लेकिन मैं लेकर नहीं आई हूँ। मैं चावल बना लूँगी घर में, इससे मेरा दोपहर के खाना हो जाएगी। और मैं आपको दिखाला हुआ है ये सब कुछ मैं अभी लेकर आई हूँ जो पूरा का पूरा फैला हुआ है। फ्रेश होकर खाना खा लूँगी। सुबह से वैसे भी कुछ भारी कुछ नहीं खाया मैंने, क्योंकि मैंने बोला ना कि घर में मिस्त्री आई थे, काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मतलब काम कर रहे थे वो लोग, और एलिस वो भी बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, इसलिए मैंने और मेरे बाबा ने कुछ सुबह से ब्रेकफास्ट वैसे कुछ कर नहीं पाए। बस छातू होते हैं ना, छत्तू के जो शरबत होते हैं वो ही बना के दोनों ने खा पी लिया। और अभी तो भूख भी लग चुके हैं। सोच रही थी के नहाने से पहले मैं चावल को भिगा के जाती हूँ, उसके बाद नहा के आके चावल थोड़ा सा भीग जाएगा, उसके बाद मैं चावल बना लूँगी। भीगने की वजह से चावल थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा और फूल भी जाएगा, जल्दी से पक भी जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं नहाने के लिए जाऊंगी और चावल मैंने भिगो दिया है धो के, अभी थोड़ी देर तक भिगने दूंगी उसे, और नहा के आके मुझे चावल भी पकाना है। और अभी मुझे बाल धोना है, और मैं बाल धोने के लिए
ये शैम्पू रिसेंट में ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, लोरियल पेरिस की ड्रीम लेंथ, बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी लग रही है मेरी बाल को, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी कर रही है ये वाली शैम्पू। ओके मैं ना कर आके बात करती हूँ, चलिए। मैंने चावल पकने के लिए मैंने बैठा दिया है, कुछ देर में ही ये पक जाएगा, मतलब हो जाएगा, तो अभी हो भी जाएगा कुछ मिनट में, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी खुद को, मतलब मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, अभी ठीक लग रही हूँ ना, हाँ थोड़ा सा, तो अभी चावल पक जाए तो जल्दी जल्दी खा लूँगी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे, बहुत ज़ोर से, और वैसे भी आज कोई शेड्यूल काम तो नहीं है मेरी, और बस 4 बजे के बाद आज एक ही काम है, घर में एक्वागार्ड लगने वाले हैं तो वही इंस्टॉल करना है। देखिए बहुत कुछ काम बाकी है घर में, जैसे मेरे किचन में कैबिनेट करना अभी तक बाकी है, घर में एसी लाना बाकी है और इन्वर्टर लाना भी होगा यहाँ पे, क्योंकि हाँ मैंने पहले ही बोली कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसकी वजह से हमेशा करंट ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ हो तो करंट बंद हो जाता है, तो इन्वर्टर भी लेने के लिए सोच रहे थे हम लोग, लेकिन अभी सब कुछ मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक साथ मैंने अगर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा 2 घर है, ससुराल एंड मायके, दोनों में हमें देखना पड़ता है, मेरे पति को भी और मुझे भी, तो अगर हम चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन इतने जल्दी मतलब पूरा का पूरा पैसा मतलब इन्वेस्ट करना हम लोग चाहते नहीं हैं, तो उस महीने के बाद एक एक करके हम ले लेंगे, अभी तो मैं सॉरी मुझे चिमनी भी लेनी है, वहाँ पर भी बात हो चुकी है, शायद मैं ले लूँगी 6 दिन में, और अभी तो मैंने सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्वागार्ड का, क्योंकि पानी खरीद के पीना पड़ता है, और मुझे वैसे पानी मतलब खरीदता हुआ पानी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मैं चापकॉल वाला होता है ना जो हैंड से चप चप के पानी निकलता है, वो पानी पीती हूँ, घर में पीती थी और यहाँ पर भी वही पीती हूँ, मेरी जो चाय है मेरे पापा का जो बड़ा भाई है वो मेरे लिए पानी भर के दे जाता है मेरे फ्लैट में, मैं रहूँ या ना रहूँ उनके पास एक चाबी ऑलरेडी है, उस चाबी से वो आके फ्रीज में पानी रख जाता है, और मेरे पति के लिए खरीदा हुआ पानी आता है, तो एक्वागार्ड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, एक्वागार्ड हो जाएगी, उसके बाद चिमनी एंड बाकी की चीज़ हम धीरे धीरे करके ले लेंगे दोनों मिला के, और शायद चावल उबल हो रहा है, मैं खाना ले चुकी हूँ अपनी खाना, और मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ, क्योंकि खाने के वक्त ज़्यादा बकबक नहीं किया जाता है, ये बचपन से सिखाया गया है, नहीं जस्ट जोकिंग, तो मैं पहले खा लेती हूँ उसके बाद मैं वापस आती हूँ। मैंने खाना खा लिया है, बस थोड़ी सी बर्तन है वो धो लूँगी, मैंने सोचा था थोड़ा सा खाना खा के बर्तन धो के थोड़ा सा सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन इतना अच्छा किस्मत का है मेरी, यहाँ पर फिर से करंट जा चुकी है, मतलब क्या बोलूँ, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि जल्दी जल्दी करंट आ जाए, पता नहीं कब आएगी। फाइनली अभी करंट आ चुकी है वापस, बहुत देर तक करंट नहीं थी, अभी आ चुकी है, अब सोच रही हूँ थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ी सो जाती हूँ, नींद भी आ रही है, और मैंने कुछ देर पहले वो एक्वागार्ड के जो लोग आने वाले थे उन लोगों को मैंने कॉल भी किया था कि आप लोग कब तक आओगे घर में, तो
वो लोग कुछ ठीक से बोल भी नहीं रही है, बोल रही है कि ठीक टाइम पे आप आ जाएंगे पहुंच जाएंगे, लेकिन परफेक्ट कोई टाइम नहीं बोल रही है। तो देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग, मतलब आते भी या नहीं, अगर आते हैं तो कब तक आएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं है काम, थोड़ा सो जाती हूँ, तो वापस आती हूँ सो के उठ के। एक्वागार्ड लगाना कंप्लीट हो चुकी है, ये सब कुछ मैंने सुबह ही दिखाया था। अभी तक ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो मैं ये अभी बैठ के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूँगी, यहाँ पर पूरा साफ कर दूँगी। और अभी तो ऐसा लग रहा है मेरा किचन, एक्वागार्ड लग चुकी है, अब मैं बाहर जाने वाली हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा बाजार जाना है, कल ड्यूटी है, इसके लिए कुछ चीज़ लेनी है मुझे, तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है बस ओके, अभी मैं निकलने वाली हूँ और घर में ताला दे चुकी हूँ, मैं निकलने वाली हूँ। मेरे जो फ्लैट है ना उसकी ठीक नीचे का नीचे वाली फ्लैट ही मेरी दीदी का है, तो मैं थोड़ा बोल रही हूँ कि मैं निकलने वाली हूँ। दीदी भाई, दीदी भाई, ओ दीदी भाई, आई मेरो नाम दीदी आने वाली, मेरो नाम मम्मी है आरसी, हाँ खुलता बना आरसी, उन्हें मैंने बोल दिया है, बाय कर दिया है। अभी तो मैं जाने वाली हूँ बाजार, माँ से मिलूँगी, एलेक्स से मिलूँगी और फिर वापस आऊँगी अगर बारिश नहीं हुई तो। छाता भी मैंने ले ही लिया है, तो अभी के लिए मेरा आज का ब्लॉग यही तक। तो मेरे आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाजू में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे हिट कर देना, कहीं कि मैं जब जब न्यू कोई ब्लॉग अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी के लिए यही तक, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बाय।